हाय फ्रेंड्स, मैं विमला। विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी रतलाम के सेव को पसंद करते हैं और रतलामी सेव घर पर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्रिस्पी क्रिस्पी रतलाम के सेव अगर आप भी बनाएंगे तो सुबह शाम की चाय में मजा ही आ जाने वाला है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और पसंद आएगा तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल विधान किचन इंदौर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाते हैं रतलाम के सेव। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रतलामी सेव की रेसिपी। रतलामी सेव खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, काफी क्रिस्पी होते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो आप घर पर कैसे रतलाम की सेव बना सकते हैं, देखिए इजी तरीके से। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि आपको बेसन अच्छे से छान लेना है ताकि उसमें कोई भी इम्प्यूरिटी ना रहे। तो बेसन हमने छान लिया है तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ और हम बनाएंगे रतलामी सेव का मसाला। मसाला बनाने के लिए हमें इसे कूटना होगा, तो मैं इसे कूट करके यूज करूंगी मसाले को। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पहले लेंगे हम लौंग, तो यहाँ पे मैं 4 लौंग यूज कर रही हूँ। काली मिर्च, अब इन दोनों को अच्छे से हमें क्रश कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से क्रश करना है। लौंग और काली मिर्च का फ्लेवर रतलामी सेव में बहुत ही अच्छा आना चाहिए, तो थोड़ा सा आप अगर स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो मजा आ जाएगा। इसे हम क्रश कर लेते हैं। ये अच्छे तरीके से क्रश हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो लौंग और काली मिर्च का पाउडर तैयार है। अब लेंगे हम बेसन। बेसन में हम ऐड करेंगे लौंग और काली मिर्च को। अजवाइन लेंगे थोड़ा सा और इसे हाथों की हेल्प से थोड़ा सा क्रश करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच के करीब। नमक स्वाद अनुसार, नमक बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है, हल्का ही रखना है आपको। अब इसमें हम मोयन के लिए सरसों तेल ऐड करेंगे। सरसों तेल से बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनता है और काफी अच्छा टेस्ट आता है। 3 से 4 चम्मच। अब हम इसे हाथों की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है इस तरीके से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे हम और इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है पानी। डो अच्छे से रेडी हो गया है और अगर आपको ये थोड़ा स्टिकी लगे तो आप थोड़ा सा हाथों में तेल ले लें इस तरीके से, कोई भी ऑयल ले लें और इसे इस तरीके से लगा लें तो ये चिपकेगा नहीं। डो रेडी है और अब हम लेंगे सेव मेकर इस तरीके से, और सेव मेकर को हम थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहां पर मैंने सेव वाली जाली लगा दी है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस तरीके से। तो ये थोड़े से बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं ना, बस वही वाली जाली आपको यूज करनी है। ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे सांचे को। सेव के सांचे को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम लेंगे सेव का डो जो हमने बनाया है और हाथों में थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लेते हुए आपको इसे थोड़ा इस तरीके से ऐसे कर लेना है और इसे हम इस सांचे में ऐसे डाल देंगे। अब इसे हम बंद करेंगे।
इसे अच्छे से टाइट से बंद कर लेना है। और यहाँ पर हमने ऑयल को चढ़ा दिया है, ऑयल अच्छे तरीके से गर्म है, ऑयल को हमें बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है और बहुत ज्यादा हमें ठंडा भी नहीं रखना है, तो टेम्परेचर जो है वो मीडियम होना चाहिए। अब इसमें हम सेव ऐड करते हैं इस तरीके से घुमाते हुए। इस तरीके से हमें ऐड कर देना है। और इसे क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। आराम से इसे हम पलट देते हैं। इसे हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है अलट पलट कर। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के सेब भी फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये है गर्मा गर्म रतलामी सेब फ्राई होकर के तैयार है। आपने देखा बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाया है। तो अगर आप भी रतलाम के सेब के फैन हैं तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए और सुबह शाम चाय के साथ मजे से खाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही ऑल पे क्लिक करना न भूलें। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय।